साजिद के नाम के आगे जी लगाने की कोई जरूरत नहीं है। साजिद का नाम आपको पता है ना? यस, कि वो आरोपी है। हाँ, शर्लिन आपसे सवाल पूछूंगा, जो जिस तरह आपकी जर्नी मैंने देखी है, कई बार उतार चढ़ाव वाली रही है, साजिद जी का मीटू वाला मूवमेंट हुआ, इस और जी साजिद खान का जी एग्जैक्टली साजिद के नाम के आगे जी लगाने की कोई जरूरत नहीं है। साजिद खान का आपको पता है ना? यस, कि वो आरोपी है। हाँ जी, मीटू मूवमेंट एंड आज एक नई शुरुआत हो रही है, किस तरह से आप देख रहे हो अपने करियर की जर्नी? बीइंग एन आउटसाइडर, पीपल रियली लव्स यू। जितने भी आपने काम किया बॉलीवुड में काफ़ी सराहा जाता है, आज से आपकी नई जर्नी शुरुआत हो रही है, तो किस तरह से आप देख रहे हो इस जर्नी को आपकी? देखिए, हर दिन मेरे लिए एक नई शुरुआत है। कहते हैं जब जागो तब सवेरा, हर सवेरे हम जागते हैं, हर सवेरे एक नई शुरुआत होती है। और मैं चाहती हूँ कि सिर्फ आई मी माई सेल्फ, इस मोटो के साथ मैं ना जीऊँ। मैं जीना चाह रही हूँ अपने देश के लिए, उन तमाम ज़रूरतमंद महिलाओं के लिए जो अपनी आवाज़ नहीं उठा पाती हैं अपने हक की लड़ाई के लिए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉलीवुड ही मेरी दुनिया है, बिल्कुल नहीं। बॉलीवुड से बढ़कर एक बहुत बड़ी दुनिया है जिसमें आम लोग जीते हैं, जिसमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी से हम जूझते हैं। और मैं चाहती हूँ कि रियल लाइफ में जीकर, रियल लोगों के साथ जीकर मैं आगे बढ़ूँ। जैसे मैंने ये एनजीओ की शुरुआत की, प्रकाशम फाउंडेशन, वैसे मैं और भी बहुत कुछ करना चाह रही हूँ समाज के लिए। देखिए, इंडस्ट्री में ऐसे कई जूनियर आर्टिस्ट्स हैं जो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। उन्हें जब काम नहीं मिलता है तो घर का रेंट देना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और रोज़ी रोटी के लिए जब उनके पास पैसे नहीं होते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है आमतौर पर जीना। तो ऐसे में उन्हें हिम्मत और हौसले की ज़रूरत होती है, उन्हें काम की तलाश होती है। तो हम क्या कर सकते हैं उनके लिए? तो मैं चाह रही हूँ कि कुछ एनजीओस के साथ जुड़कर, न केवल अपने एनजीओ के साथ बल्कि अन्य एनजीओस के साथ भी जुड़कर, मैं उन ज़रूरतमंद आर्टिस्ट्स के लिए कुछ करूँ और उन्हें बताऊँ, समझाऊँ कि देखिए, अगर हम एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं तो ज़िंदगी आसान लगने लगती है। ये प्रैक्टिकल बात है। अगर हम व्हाट्सएप पर एक कम्युनिटी शुरू करते हैं और रोज़ आप, मैं, हम सब एक दूसरे को पॉजिटिव रिमाइंडर्स दें, यू नो, ऑल इज़ वेल, गॉड इज़ ग्रेट, हम आपके साथ हैं, आप बताइए क्या परेशानी है आपकी, हम क्या कर सकते हैं आपके लिए, तो आपको लगने लगेगा कि आप अकेले नहीं हैं, आप एक कम्युनिटी के साथ हैं, आप एक समाज का हिस्सा हैं, एक कम्युनिटी के साथ हैं। तो ये एक बहुत अच्छी फीलिंग है, पॉजिटिव फीलिंग है। तो मैं चाह रही हूँ कि ऐसा कुछ पॉजिटिव काम करूँ हर दिन, कभी कभी नहीं, हर दिन निरंतर रूप से।